नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, गादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। जालौन के माधवगढ़ थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्यारोपी पिता को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू को बरामद कर आरोपी को जेल भेजा है। बता दें कि जालौन के माधवगढ़ थाना इलाके के बंगरा में बीती 21 जून को एक युवक का शव उसके घर में पड़ा हुआ मिला। घटना के बाद से ही युवक का पिता फरार हो गया था। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की थी। पुलिस जांच पड़ताल में जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले थे। मामले का खुलासा करते हुए जालौन एसपी अमरेंद्र प्रसाद ने बताया कि मृतक छोटू एवं उसका पिता शिशुपाल दोनों शराब के लती थे। दोनों ही गुब्बारे बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। बीती 21 जून को दोनों ने साथ बैठकर शराब पी और शराब के नशे में दोनों पिता पुत्र के बीच जमकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुस्साए पिता ने अपने ही बेटे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे छोटू ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। मामले के खुलासे के लिए स्वाट टीम थाना पुलिस को लगाया गया था, जिन्होंने आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी को जेल भेजा गया है। बदनाम कौन होता, बाप ही होएगा बदनाम। अच्छा, झगड़ा हुआ था तुम लोगों में किसी बात को? तो पिता पुत्र दोनों बंजारे हैं और ये इनके परिवार में और कोई नहीं है। तो ये कुछ घरेलू सामान वगैरह, गुब्बारे और जो श्रृंगार का सामान होता है, दोनों बाप बेटे बेचते थे और दोनों शराब पीने के आदि थे। ये एक बंगला में ट्यूबवेल है, उसके ऊपर एक कमरा लेकर के रहते थे। तो 21/6 की घटना है। दूसरे दिन जब बच्चे उस कमरे की तरफ खेलने गए तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो इसकी सूचना पुलिस तक पहुंची और ट्यूबवेल मालिक ने एक एफआईआर दर्ज कराई। तो जो तथ्य प्रकाश में आया वो ये था कि एक सेलू छोटू है, वो और उसका पिता ये शिशुपाल, ये दोनों वहाँ रहते थे। किसी बात को लेकर के दोनों के बीच विवाद हुआ। वैसे लड़ाई तो दोनों में अक्सर हुआ करती थी और उस लड़ाई के क्रम में रात्रि में पिता ने अपने पुत्र की हत्या कर दी और सुबह में उसको लोगों ने साइकिल लेकर के जाते हुए देखा और इसकी तफ्तीश हुई। ये फरार हो गया था और पुलिस को चकमा दे करके छिपके रह रहा था। आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।